यस मैम, यस मैम। इट मींस जब उसने अप्लाई किया था 4000 शेयर्स के लिए, तो उसने एप्लीकेशन के साथ कितना पे किया था? 3 रुपए। मतलब 4000 × 3 उसने कितना अमाउंट पे किया था? 12000, ठीक। और इसको शेयर्स कितने अलॉट हुए थे? 3000। ये वाली कैलकुलेशन थी कल तक, है ना, कि इसने अप्लाई किया 4000 के लिए, इसको दिए गए 3000 शेयर्स, ठीक है, और इसने एप्लीकेशन के साथ कितना पे किया था? 12000। लेकिन इसने इसको शेयर्स कितने दिए गए थे? 3000 शेयर्स दिए गए थे। तो एप्लीकेशन मनी इसकी कितनी बनती है 3000 शेयर्स के हिसाब से? 3000 × 3 = 9000। तो बाकी जो इसका बचा था 3000, वो कहाँ डाले थे अपन? अलॉटमेंट में। ये यहां तक समझ में आया था? यस मैम, ठीक। अब देखो उसके बाद मैंने क्या कैलकुलेशन करवाई थी अलॉटमेंट मनी की। तो इसने ना अलॉटमेंट पे किया, ना फर्स्ट कॉल, ना ही सेकेंड कॉल। तो अलॉटमेंट मनी कितने की थी? चार रुपए की, फर्स्ट कॉल 2 और सेकेंड कॉल थी 1 रुपए की। तो देखो इसको जब 3000 शेयर्स अलॉट करवाए थे और अलॉटमेंट मनी कितने की थी? 4 रुपए की थी। तो इसको अलॉटमेंट में देना कितना था? 12000। लेकिन इसमें से ये देखो, अब मैं कुछ हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला 3000, ये 3000 तो इसका एप्लीकेशन के टाइम पे आ चुका था। तो इतना तो इसका क्या हो गया था? रिसीव्ड हो चुका था अलॉटमेंट का। तो यानी इसने अलॉटमेंट में कितने नहीं दिए? 9000। यहां तक डाउट है किसी को? नो मैम। सबको क्लियर है? साक्षी, प्रिया, रिया, सबको? यस मैम। ठीक है, अब अलॉटमेंट वाली एंट्री निकालो। अलॉटमेंट वाली एंट्री निकालो, उसमें क्या क्या लिखा है बताओ मेरे को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। इक्विटी शेयर क्या पे 4 लाख। फिर क्या एंट्री की थी हमने? बैंक अकाउंट डेबिट 3,37,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 3,37,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ये जो अमाउंट था कितना लिखवाया था मैंने? 3,37,000। क्यों लिखवाया था? देखो 4 लाख था, 4 लाख में से जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ था वो कितना था शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे बताओ मेरे को? 60,000 था उसमें। तो 4 लाख में से क्या माइनस किया? 60,000 एडजस्ट हो चुका था, ठीक है। फिर क्या माइनस करवाया था मैंने उसमें? 3,000। कितना माइनस करवाया था इसके अलावा और? 3000। कौन सा वाला करवाया था? ये वाला ना। ये तो देखो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया था ना, तो मैंने तो देखो डबल एंट्री करवा दी। ये तो 3000 60,000 में इंक्लूडेड था ना बेटा। इसमें कौन सा अमाउंट आना चाहिए था? ये 9000। ये देखो ये क्या लिखा है इसमें? 9000 वाला। नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। हम वही माइनस करते हैं ना जो नहीं मिल नहीं मिलता है। तो मैंने कल क्या माइनस करवा दिया था? जो मिला था 3000। आ रहे समझ में? कल क्या yes, ma'am. हुई थी? हमेशा क्या माइनस करते हैं? जो नहीं मिला है। तो ये देखो जब हमने कैलकुलेशन कल ये वाली की भी थी कि नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना निकाले थे अपन? ये 9000 रुपए दिख रहा है ये? Yes, ma'am. तो कितना है क्या अमाउंट इसमें? 3,31,000। एंट्री सही कर लो सब अपनी। मैं बोल रही थी और किसी ने मेरे को करेक्ट नहीं किया कल वहां पे, क्यों?
नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे को तुरंत करेक्ट किया करो आप लोग वहां पे कि मैम मैं ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है। आ रहे समझ में? यस मैम। हाँ चलो अब कौन सी एंट्री बच गई थी अब अपनी? रीइश्यू वाली है ना। रीइश्यू वाली एंट्री बच गई थी। यस मैम। चलो क्या होती है रीइश्यू की एंट्री? देखो 2000 वो शेयर्स उसने फोरफीट किए सामने वाले के, 4000 शेयर्स थे ना, सॉरी 3000 थे, तो 3000 शेयर्स क्या हुए थे? फोरफीट। फोरफीचर की एंट्री सबकी बन गई थी? कोई ऐसा है जिसकी छूट गई थी एंट्री? अब देखो ये लोग कितना इश्यू कर रहे हैं, 2000 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं? 8 रुपए। अब देखो समझो यहाँ पे जो ओरिजिनल शेयर था वो तो 10 रुपए का था, लेकिन ये लोग कितने में इश्यू कर रहे हैं? 8 रुपए में, मतलब ये लोग 2 रुपए क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एंट्री देखो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी इसमें, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट देखो 2000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं कितने रुपए से? 8 रुपए से, तो ये बैंक में आ जाएगा 2000 इंटू 8 कितना? 16000। देखो कितने का शेयर था, एक 10 रुपए का था ना, तो 2000 इंटू 10 ये हो गया 20, तो जो ये डिस्काउंट में दे रहा है 2 रुपए, ये वो कहां से निकालेगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से, तो 2000 इंटू 2 कितना हुआ ये 4000। ये हो गई रीइश्यू की एंट्री। हमेशा याद रखना जब रीइश्यू करता है शेयर्स को हरण करने के बाद, फॉरफीचर करने के बाद, तब डिस्काउंट में जो अमाउंट लिया जाता है वो हमेशा कहां से लिया जाता है? शेयर फॉरफीचर से। वैसे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है, लेकिन रीइश्यू के टाइम पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। आया समझ में? यस मैम। अब एक लास्ट एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट की। कैसे एंट्री होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए थे? 12000 लिए थे कंपनी ने शेयर फॉर फीचर से। स्टार्टिंग वाली एंट्री देखो शेयर फॉर फीचर की, 12000 लिया था आप लोगों ने, देखो वो 12000 कितने ही शेयर्स के लिए था? 3000 के लिए। लेकिन अभी हम कितना शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? 2000। तो 2000 के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है बताओ? 12000 को डिवाइड करो 3000 से, इनटू करो 2000 से, कितना आएगा? आठ हजार आया, ठीक है। अब देखो अगर नहीं याद होता है तो इसका ना एक फॉर्मूला बना लो, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट जो क्रेडिट वाली होती है ना वो वाली अमाउंट लेना, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट। तो देखो क्रेडिट बैलेंस वाले में कितना था, शेयर फॉर फ्यूचर में 12000 था। देखो ये वाला जो लिखा है यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूं मैं, देखो ये वाली शेयर फॉर फ्यूचर, ये तो डेबिट वाली अमाउंट है ना, ये देखो ये, yes, डेबिट वाली ये मत लेना,
क्योंकि ये रीइश्यू के टाइम पे यूज हो रही है। आप हमेशा यहाँ पे कौन सी अमाउंट लेना, जो फोरफीचर के टाइम पे अमाउंट यूज हुई थी। कौन सी अमाउंट लेंगे? फोरफीचर के टाइम पे अपॉन नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स, ये फॉर्मूला बनाएंगे आप। कितने शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं? 3000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। ठीक, तो कितने शेयर रीइश्यू कर रहा है? 2000। देखो ये है आपका फॉर्मूला, इसको लिख लो, ये काम आएगा। तो अमाउंट देखो कितना आ रहा है, 8000। आया समझ में अमाउंट कैलकुलेट करना? यस मैम। देखो ये आ गया 8000। अब यहां पे देखो कितना यूज किया है रीइश्यू के टाइम पे, 4000 यूज कर लिया। यस मैम। तो उसको माइनस कर देना 8000 में से जो आपका आया, तो जितना आपने यूज किया वो उसमें से आप माइनस करना। तो यहाँ पे आएगा आपका 4000, तो ये हो गया 4000, ये 4000। अगर यहाँ पे 1600 यूज होता तो 8000 में से कितना माइनस करते हैं? 1600। ये हमेशा ऐसे ही अमाउंट निकाली जाती है। ये कैलकुलेशन इसलिए किए हैं क्योंकि 3000 फोरफीट किया है और रीइश्यू सिर्फ 2000 कर रहा है। अगर पूरा का पूरा रीइश्यू कर देता 3000 का 3000 ही, तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, चुपचाप फोरफीचर में वहां 12 लिखा होता। अगर यहाँ पे 4 यूज करते तो चुपचाप हम लोग यहाँ पे 8000 यूज कर लेते। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 से 5 वैरायटी कंप्लीट हो रही है और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत है, तो ये क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखो। आ रहे समझ में सबको? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। 40X लिमिटेड ने दिया है एक, नहीं दूसरा है, एक सेकंड। क्वेश्चन 37 है, सबके पास है ना क्वेश्चन? यस यस मैम। देखो विभा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए, तो टोटल कितने हैं? 10,000 शेयर्स कितने वाले हैं? 100 रुपए वाले। राशियों का भुगतान निम्न प्रकार करना था, ठीक है, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 40 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। मतलब कितना हो जाएगा बैलेंस? 40 रुपीज, है ना। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, 15,000 शेयर्स के लिए क्या मिल रही है? एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, आवेदन प्राप्त हुआ। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वाज रिजेक्टेड, मतलब 3,000 को क्या कर दिया? रिजेक्ट। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब 12,000 वालों को प्रोराटा बेसिस पे दे दिया, मतलब समायोजित कर दिया, और 3,000 को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वे ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स, 100 शेयर्स पे किसी ने फाइनल कॉल पे नहीं की। नेक्स्ट देखो, द फोरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 120, ठीक है, शेयर्स को कितने में रीइश्यू कर रहा है? 120 रुपए, बताओ प्रीमियम पे कर रहा है रीइश्यू। चलो देखो क्वेश्चन बनाओ, एप्लीकेशन 12,000 वालों को कितने शेयर्स दिए? 10,000, और 3,000 वालों को एक भी शेयर नहीं दिया, तो ये टोटल 15,000 शेयर्स का जो लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर्स, ये अलॉटेड, तो 10,000 अलॉट कर रहे हैं। फिर बनाओ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो कितनी रिसीव्ड हुई होगी 12,000 पे 20 रुपए के हिसाब से, बताओ।
2,40,000 और इस 3,000 पे 20 रुपए के हिसाब से 6 लाख, नहीं 60,000। यहां तक कोई डाउट है? नो मैम। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया एप्लीकेशन में, इसमें सॉरी कैपिटल अकाउंट में, कितना करेगा ट्रांसफर देखो, दस हजार शेयर्स का 20 रुपए के हिसाब से कितना हुआ 2 लाख, और 40,000 कहाँ डाल रहा है ये अलॉटमेंट में डाल देगा, एडजस्ट कर देगा, और ये वाला जो 60,000 है ये क्या हो जाएगा रिफंड। एंट्री बनाएंगे फर्स्ट, नहीं अब नेक्स्ट देखो, ये जिसको ये 100 शेयर्स थे जिसके पास, तो देखो इसके पास शेयर्स कितने हैं 100, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा वो निकालना पड़ेगा अपने को। तो देखो 12,000 वालों को, ये देखो 10,000 शेयर्स दिए गए हैं किनको, 12,000 वालों को, तो इसको तो 100 शेयर दिए गए थे, तो इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 12,000 को डिवाइड करो 10,000 से, इनटू करो 100, मतलब इसने 120 शेयर्स के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था, ठीक। वैसे लेकिन इसमें इसका कोई मतलब नहीं है ये वाली कैलकुलेशन का, क्योंकि देखो ये सिर्फ फाइनल कॉल की अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, अगर हम ये निकाल भी लेंगे तो इसमें से हमको सिर्फ अलॉटमेंट का पता चलता है, और क्वेश्चन में दिया है क्या कि इन 100 शेयर्स ने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो इसलिए इसमें ये वाली एंट्री का कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन का, फिर भी आप लोग निकाल सकते हो। चलो एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, टोटल करो 2,40,000 और 60 का 3 लाख, नेक्स्ट करो, अच्छा ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या, इसको लिखना 2-12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एप्लीकेशन का कितना था 3 लाख, इसमें कितना जा रहा है 2 लाख, बैंक से रिफंड कितना भेज रहे हैं हम 60,000, और अलॉटमेंट में कितना दे रहे हैं अपन 40,000। किसी को डाउट है कि एंट्री में तो पूछो पहले, बताओ किसी को डाउट है? नो मैम। फिर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे अपन, 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स हैं अपने पास 10,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 40, तो ये हो गया 4 लाख, फिर फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 4,00,000 है इसमें से, ये एडजस्ट हुआ था अलॉटमेंट का कितना 40,000, तो ये माइनस हो जाएगा, ये देखो ये अलॉटमेंट वाला 40, ये तो 4,00,000 में से 40 माइनस 360,000, 5th एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 10,000 शेयर्स इनटू कितने का, 40 का ही था ये भी, तो ये हो गया 4,00,000, लेकिन 100 शेयर्स पे पैसे नहीं आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो 100 शेयर्स पे कितना नहीं आ रहा है, 40 रुपए के हिसाब से, तो कितना नहीं आया, 4,000, तो 4,00,000 में से 4,000 गया तो कितना आएगा, 4,00,000 में से 40,000 गया तो 3,60,000, 4,000, 3,96,000, सिर्फ 4,000 ही तो नहीं दे रहा बेटा, 40 कैसे हो जाएगा 100 शेयर्स पे, अब देखो शेयर्स क्या हो रहा है, 4 फीट हो रहा है, ये ऊपर वाला वर्किंग नोट मैं रफ कर रही हूँ और बैंक वाली एंट्री भी रफ कर रही हूँ मैं, फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, इक्विटी सॉरी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, देखो पूरा शेयर 100 रुपए का कॉल करने के बाद फॉर फ्यूचर हुआ था, 100 शेयर्स थे 100 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 10,000, फोर फीचर में कितना आएगा, इसने 100 शेयर्स पे सिर्फ सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया 40 रुपए, बाकी कितना दिया इसने 60 रुपए, तो इसका 60 रुपए क्या हो जाएगा, फोर फीचर, तो 100 शेयर्स पे 60 के हिसाब से 6,000, और देखो फाइनल कॉल पे इसने 4,000 पे नहीं किया, तो ये हो गया 4,000, ये हो गई फोर फीचर की एंट्री, फिर एंट्री बनेगी री इशू की, री इशू में देखो ये क्या कर रहा है, प्रीमियम पे इशू कर रहा है, एट प्रीमियम, और वो भी कितना 120 रुपीज, तो प्रीमियम की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% गिफ्ट, 12% प्रेफरेंस शेयर लिखना ना ऊपर भी, देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रीमियम पे किया है 120 पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो गया बैंक टू 12% प्रेफरेंस टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, देखो शेयर कैपिटल हमेशा देखो 100 रुपए से ही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो शेयर होता है वही शेयर कैपिटल में आता है, हमेशा याद रखना, फिर देखो शेयर फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट तो यूज नहीं हुआ री इशू में, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट चले गया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 6,000 रुपए, क्लियर करूं सबका बन गया वो तो, यस मैम, आदित्य कृष्णा प्रिया बेटा बन गया सबका, नहीं मैम, यस मैम नहीं हुआ है, ओके नोट करो,
नोट करो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्लास में है क्वेश्चन ट्राई करो, जो क्वेश्चन हमने कल किया था ना और लास्ट क्लास में और लास्ट क्लास के पहले, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछेगा आपके इसमें, याद रखना। जो क्वेश्चन, ये जो वैरायटी आपकी स्टार्ट हुई है ना, क्वेश्चन 32 से लेकर के 33, 34, 35, 36 ये ही वाले क्वेश्चंस और इस टाइप के ही पूछेगा। आ रहे समझ में? ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, नहीं बनता है नो इश्यूज, आप उसके क्या कर सकते हो, जहां पे आपका अटका ना क्वेश्चन वहीं पे आप मुझे बता सकते हो कि मैडम इसकी एंट्री या इसका नहीं निकल रहा है कैलकुलेशन, तो हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, तो आपके साथ साथ दूसरे का भी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आ रहे समझ में? तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे मुझसे। हो गया नोट? यस मैम।